नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोद्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिनामानदेन कीर्तनेन सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की चक्र सुदर्शन महाभाग की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय शिव नारायण नारायण
Narayanam. Srimad Bhagavata 7:14, 39, 40, 41, 42. दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम् अवज्ञानात्मतां नृप त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविभिः कृता ततोऽर्चायां हरिं केचित् संसद्धाय सपर्यया उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषां नारायण एतादि युगों में जब विद्वान मनुष्यों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार करने लगे हैं, तब उन्होंने उपासना की सिद्धि की भावना से भगवान के अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा की, प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। हरे अर्चा क्रिया यही कभी कृता, कभी का अर्थ है विद्वान मनीषी। भगवान सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार तीनों रूपों में उपास्य हैं। पिछले दिनों निरूपण किया गया कि वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्म तत्व जिसे ब्रह्म कहते हैं, वह स्वरूपता निर्गुण निराकार है, लेकिन मायोपाधिक अंतर्यामी होकर सगुण निराकार भी होता है और वह श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होकर सगुण साकार भी होता है। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, अर्थात जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध नहीं होता, उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता है। ईश्वर तो एक ही है, जैसा है वैसा है, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। श्रीधर स्वामी महाभाग ने श्रीमद्भागवत के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया है। लेकिन ईश्वर को लेकर, आत्मा को लेकर मान्यताओं में भेद है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार ब्रह्म तत्व जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है, जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध होता है। इसलिए साक्षात श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण भी होता है। उत्पत्ति स्थिति स्मृति तीन कृत्य माने तब महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा के रूप में अभिव्यक्त करता है। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को विष्णु या श्रीमन्नारायण के रूप में अभिव्यक्त करता है। समृद्धि नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से स्वयं को रुद्र या शिव के रूप में व्यक्त करता है। शीतोपनिषद आदि के अनुसार जब
पंचकृत्य मानते हैं, उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह, तब पंच देवा देवताओं की उद्भावना होती है। उत्पत्ति नामक कृत्य के निर्वाहक हिरण्यगर्भ ब्रह्मा सिद्ध होते हैं। स्थिति नामक कृत्य के निर्वाहक परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण विष्णु सिद्ध होते हैं। समृति नामक कृत्य के निर्वाहक रुद्र या शिव सिद्ध होते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए भगवती देवी सिद्ध होती हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति की उद्भावना होती है। इस प्रकार कल हमने बताया शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत हैं। पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता है। स्थावर जंगम प्राणी पृथ्वी से अभिव्यक्त होते हैं। जल में पालनीय शक्ति है। स्थिति नामक कृत्य की प्रधानता है। अग्नि में संहार या समृति नामक कृत्य की प्रधानता है। व्योहनात्मक वायु में निग्रह नामक शक्ति की प्रधानता है। आकाश में अनुग्रह नामक शक्ति की प्रधानता है। इस प्रकार से पंचदेवों की भी उद्भावना हो जाती है। भगवत विग्रह अर्थात अर्चा विग्रह, भगवान का बिंब मूर्ति के रूप में भगवान की उद्भावना की गई। कल्पना नहीं, उद्भावना। भगवान के सभी अवतार नित्य होते हैं। उनकी अभिव्यक्ति को लेकर काल की मीमांसा है। कल हमने उदाहरण दिया भगवान शिव का विवाह सुनिश्चित हुआ। विवाह के समय पुरोहित कौन होते? ब्रह्मा जी ही कर्मकांड कराने वाले सिद्ध हुए। उन्होंने कहा गणेश जी का पूजन कीजिए। तब प्रश्न उठा कि विवाह होगा, फिर लाला का जन्म होगा, उसका नाम गणेश होगा, पहले स्कंद कार्तिकेय होंगे, फिर गणपति का जन्म होगा। अभी तो विवाह भी नहीं हुआ, लाला का जन्म भी कहाँ हुआ, तो लाला का पूजन कैसे होगा? तुलसीदास जी ने लिखा सुर अनादि जी अजानी, पांचों देव जो हैं अनादि हैं। अभिव्यक्ति को लेकर काल की मीमांसा है। अस्तित्व को लेकर काल की मीमांसा नहीं है। हमने संकेत किया गणेश जी की अभिव्यक्ति को लेकर काल की मीमांसा है। पांचों देव अनादि हैं। या कल कहा गया था कि वेदादि शास्त्रों में, महाभारत आदि में मंत्र को गोप्य माना गया है, गोपनीय। मंत्र का अर्थ मंत्रणा भी है। मंत्रणा को भी गोप्य माना गया है, गोपनीय। वह राजा मारा जाता है जिसकी मंत्रणा फूट जाती है। मंत्र गोप्य है, लेकिन आजकल ढिंढोरा पीटते हैं, मंत्र की गोपनीयता को शांत कर देते हैं। काल भी गोप्य है, लेकिन आजकल हर वस्तु के काल का अंकन होता है। तो जो गोप्य पदार्थ थे उनको उद्भाषित करना आधुनिक व्यसन है। पूरा महाभारत पढ़ लीजिए, 10 बार सही 20 बार सही। युद्ध तो हुआ, दक्षिणायन में हुआ, सर्दी के दिनों में हुआ, लेकिन महाभारत युद्ध प्रारंभ किस तिथि में हुआ अंकन करना कठिन है। युद्ध हुआ और लेखक वेदव्यास जी के जीवन काल में ही हुआ। वेदव्यास भगवान तो आज भी विद्यमान है, प्रकट लीला भले ही ना हो, लेकिन पूरा महाभारत पढ़ने पर भी दक्षिणायन के किस महीने में किस तिथि में युद्ध प्रारंभ हुआ कह पाना कठिन।
लेकिन हम लोग गीता जयंती मनाते हैं मार्ग शुक्ल एकादशी को। इससे सिद्ध होता है कि परंपरा से महाभारत युद्ध का प्रारंभ उसी दिन हुआ। हमने लिखा भी है गीता जयंती और भीष्म क्रांति नामक ग्रंथ में ज्योतिष के आधार पर युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो हमने संकेत किया काल गोप्य माना जाता था, आजकल ढिढोरा पीटना काल का स्वभाव हो गया। कौन सी घटना किस स्थिति में घटी, महाभारत में तो सोम मंगल बुध इत्यादि दिन का उल्लेख पाना भी कठिन होता है। तिथि का उल्लेख तो है, नक्षत्र का उल्लेख है, पर दिन का उल्लेख सिद्ध कर पाना महाभारत आदि के अनुसार कठिन होता है। तो हमने संकेत किया, कल यह भी कहा था कि भगवान सूर्य ने पृथा कुंती को एक ऐसा मंत्र भगवान दुर्वासा जी ने पृथा कुंती को एक ऐसा मंत्र दिया कि जिस देवता का तुम आवाहन करोगी वो देवता प्रकट हो जाएंगे, वे देवता तुम्हारे पुत्र बन जाएंगे, तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। लेकिन वह मंत्र कौन था इसका उल्लेख न वाल्मीकि रामायण में है, न अद्भुत रामायण में, न अध्यात्म रामायण में, न तुलसीदास के द्वारा विरचित रामायण में। भगवान रामभद्र को विश्वामित्र जी ने बला अति बला विद्या दी, उसके प्रभाव का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, तुलसीकृत रामायण में भी है। लेकिन बला अति बला विद्या थी क्या, कल मैंने बताया सावित्री उपनिषद में है बला अति बला विद्या। लेकिन न तो वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करने पर बला अति बला विद्या का ज्ञान होगा, न रामचरितमानस का। विद्या को गोप्य माना गया, काल को गोप्य माना गया, मंत्र को गोप्य माना गया। काल क्रम से अभिव्यक्ति होती है, अक्लिष्ट उपयोग त्रेतादि युगों में विद्वान मनुष्यों ने देखा कि परस्पर एक दूसरे का अपमान करने लगे हैं, उनकी दृष्टि को ऊर्ध्वमुख करने की भावना से उन्होंने अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा की, भगवान को मंदिर में मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रकल्प चलाया। ततोर्चायां हरिं केचित् संश्रद्धाय सपर्यया उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम्। तथा उसके बाद से त्रेता दिशु लिखा है, त्रेता आदि का अर्थ द्वापर भी, कलयुग भी, कृतयुग के बाद कृतयुग को भी सत्ययुग कहते हैं। कलि द्वापर त्रेता और कृत युग, कृत चार का द्योतक है, जुआ में द्यूत में कृत नामक पाशा होता है जो चार का द्योतक होता है। आरोह क्रम से विचार करें तो कलयुग फिर द्वापर, द्वापर में द्वार शब्द का प्रयोग है ही, द्वित्व का वाचक है, त्रेता में तीन शब्द का तीन त्रिका है ही, कृतयुग। कृत का अर्थ चार होता है, कृतयुग सत्ययुग। कलयुग की अपेक्षा द्वापर की आयु दुगुनी होती है, कलयुग की अपेक्षा त्रेता की आयु त्रिगुनी होती है, कलयुग की अपेक्षा कृतयुग या सत्ययुग की आयु चतुर्गुण होती है। एक दो तीन चार, चार तीन दो एक का योग करें तो चार तीन सात दो नौ एक दस होता है। 432,000 वर्ष कलयुग की आयु है,
उसके आगे एक जीरो लिख दें, शून्य लिख दें, 432,000 को 10 से गुणा कर दें, अर्थात 432,000 लिखने के बाद एक शून्य और बढ़ा दें, एक चतुर्युग की आयु होती है। उसके आगे तीन शून्य और रख दें तो ब्रह्मा जी की आयु सिद्ध हो जाती है। द्विपरार्ध ब्रह्मा जी की आयु है ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार। ब्रह्मा जी की आधी आयु का नाम परार्ध है, पूर्ण आयु का नाम द्विपरार्ध है। आजकल पंडित संकल्प कराते हैं ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, अर्थात ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार इस समय जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं वे 51 साल के। तो हम कहेंगे हमसे आयु में कम है। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार आजकल जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं द्वितीय परार्ध में आधी आयु व्यतीत कर चुके हैं। द्वितीय परार्ध का अर्थ ब्रह्मा जी के आयु का आधा हिस्सा जो है, आधा भाग, वो एक परार्ध है। पूर्ण आयु का नाम द्विपरार्ध है। मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31,10,40,000 वर्ष ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु सिद्ध होती है। आजकल तो गणित में नील ये सब संख्या का ही विलोप कर दिया, बुद्धि को कुंठित कर दी मेधा के नाम पर, वृद्धि के नाम पर। 31,10,40,000 वर्ष पूरी सृष्टि की आयु सिद्ध होती है। इस समय भगवद गीता के 8वें अध्याय के आधार पर विचार करें तो सृष्टि की, पृथ्वी की आयु कितनी सिद्ध होगी? 1,97,29,59,124 वर्ष। 49,29,49,29,4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 9,
भी लगभग इतनी ही आयु मानते हैं, इसलिए त्रेता इत्यादि में इसका अर्थ हुआ प्रतिमा की पूजा जो है काल्पनिक नहीं है, अभिव्यक्ति के दृष्टि से काल का चित्रण किया गया है। अभिव्यक्ति, इसलिए उदाहरण दिया सुर अनादि जी अजानी, गणेश जी पहले से भी विद्यमान थे, इसलिए शिव पार्वती के विवाह के समय भी गणेश जी का पूजन किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि लाला का भी जन्म नहीं हुआ तो लाला का पूजन कैसे, तो सुर अनादि जी अजानी, अभिव्यक्ति को लेकर काल है, विद्यमानता नित्य ही है। या तत्वर चायाम अभी है, बड़ा छोटा हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है। माँ के गर्भ में जिसका पहले प्रवेश होता है जन्म की दृष्टि से, वो बाद में जन्म लेता है। जुड़वा बच्चा होते ना, तो शास्त्र के अनुसार मर्यादा है, पंचाग्नि विद्या के अनुसार मनुष्यादि जो प्राणी हैं पिता के घर में पहले आते हैं, माता के घर में बाद में जाते हैं। अगर जुड़वा बच्चा हुआ तो माँ के घर में जो पहले आता है जन्म लेता है बाद में, और जो बाद में आता है वो जन्म लेता है पहले। यह इसलिए कौन हो गए लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उनमें कौन बड़े कौन छोटे, लक्ष्मण जी बड़े हुए और शत्रुघ्न जी छोटे हो गए, लेकिन आए होंगे घर में पहले शत्रुघ्न जी और जन्मे लक्ष्मण जी, ये भी होता है, ये सब विज्ञान की बात है। यह हुआ तो त्रेता युग में, द्वापर में, कलयुग में प्रतिमा पूजा, प्रतिमा पूजा माने प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई मंदिरों में, अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा की गई। उसी समय से श्रद्धालु व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सामग्रियों के द्वारा अर्चा विग्रह में भगवान की पूजा करने लगे, तब से पूजा की प्रथा हो गई। यह अभिप्राय।
तथोर्चायाम हरिम के चित कोई कोई संश्रद्धा समर्थम सपर्य श्रद्धा से समन्वित होकर समर्चा करते हैं, सामग्री से भगवान की पूजा करते हैं। बहुत बढ़िया श्रीमद् भागवत में इस तथ्य को ख्यापित किया गया है कि अगर बिंब को सजाएंगे तो प्रतिबिंब सजा सजाया ही प्रकट होगा। क्या मुख को सजाया तो दर्पण सामने रखेंगे तो दर्पण में प्रतिफलित जो मुखचंद्र है सजा सजाया ही प्रकट होगा। दृष्टांत है, दार्ष्टान्तिक कौन क्या है, भगवान हमारे बिंब हैं, हम प्रतिबिंब हैं। भगवान को सजाएंगे माने 1650 महाराजों पचार पंचों पचार से भगवान का पूजन करेंगे तो क्या होगा, हमारा ही उत्कर्ष होगा। भगवान के ऊपर यह कृपा नहीं क्या, अपने ऊपर ही कृपा है। भगवान बिंब हैं, हम जो जीव हैं प्रतिबिंब हैं, तो भगवान को सजाना विभिन्न सामग्रियों से उनकी पूजा करना अपनी ही पूजा है। साथ वाले हमारी बहुत सेवा करते हैं तो हम कभी मन ही मन मुस्कुराते हैं, गुरुओं की सेवा में हमने प्राणों की बाजी लगा दी, सेवा हमको मिल रही है क्या। एक हमारे गुरु भाई थे जगन्नाथ आनंद जी, दुर्घटना में शरीर छूट गया। उन्होंने कहा 22 दिनों तक मैं बीमार रहा, किसी ने एक घूंट पानी नहीं पूछा। कहा किसी को एक घूंट पानी दिया क्या क्या दूसरे की सेवा करना दूसरे की सेवा नहीं है, अपनी ही सेवा है। ऐसे भगवान पर कृपा मत कीजिए, भगवान बिंब स्वरूप हैं, अपने को प्रतिबिंब रूप मानिए। भगवान की गई जो समर्चा है वो स्वयं को ही प्राप्त हो जाती। इसलिए भागवत में कहा गया बिंब को सजाएंगे तो प्रतिबिंब सजा सजाया ही प्रकट होगा। अपने मुखचंद्र को सजाएंगे तो दर्पण में प्रतिफलित मुखचंद्र सजा सजाया ही प्रकट होगा। इसीलिए कहा भगवान की प्रतिष्ठा की गई, भगवत अर्चा विग्रह की पूजा प्रतिष्ठा से स्वयं ही व्यक्ति पूजित प्रतिष्ठित होता है। भगवान पर अनुग्रह नहीं, मैं दिल्ली में था, विद्यार्थी जीवन की बात है, स्नान करने के बाद संध्या वंदन करता था, 1000 गायत्री का जप करता था। उसके बाद जल मुँह में डालता था। एक दिन बड़े भाई ने कहा भगवान सूर्य को जल देते हो या नहीं। मन में इच्छा थी कि बड़े भाई कभी डांट देते तो अच्छा रहता, बचपन में तो डांट पड़ती रही होगी, बच्चे तो शरारती होते ही हैं उपद्रवी। लेकिन 9 वर्ष के बाद डांट खाने का अवसर ही नहीं मिला, व्यवहार ही ऐसा था कि सब जगह स्नेह सम्मान ही प्राप्त था। तो मैंने सोचा कुछ नास्तिकता का परिचय दें, झूठ भी न बोलें, बड़े भाई डांट देंगे तो स्मृति रहेगी कि डांट पड़ी। मैंने कहा कि अगर सूर्य भगवान को जल नहीं दूंगा तो प्यासे मर जाएंगे क्या। उन्होंने कहा अच्छा, अरे वो नास्तिक कहीं के, दिल्ली का पानी तुम्हें लग गया। फिर आगे उन्होंने कहा सूर्य पर कृपा करने के लिए नहीं, कृतज्ञता ज्ञापन के लिए उन्हें जल दिया करो। क्या सविता गोभी रसम भूंगते, भगवान सूर्य की कृपा से ही हमको जल प्राप्त होता है। जलाशय निष्ठ जो जल हैं, चाहे गंदा नाला सही, अपनी रश्मियों के द्वारा, गोभी माने रश्मियों के द्वारा सूर्य भगवान जल को कर्षित करके शुद्ध करके चक्रवृद्धि ब्याज को भी मात करने वाली विधा से वर्षा देते हैं। उन्होंने कहा सूर्य के अनुग्रह से हमको तुमको जल प्राप्त होता है, सूर्य पर अनुग्रह करने के लिए जल मत दिया करो, कृतज्ञता ज्ञापन के लिए जल दिया करो। तो मैंने कहा कि मैं तो 1000 गायत्री मंत्र जपता हूँ, 1000 गायत्री मंत्र जपता हूँ। देखिए समष्टि में जब
जिसका कल्याण होगा होगा, उसके कल्याण के लिए या किसी वस्तु के वो परिष्कृत करने के लिए कोई व्यक्ति काम करता है तो अपने ऊपर कृपा है। गंगा गंगा के रूप में अविरल रहे, निर्मल रहे, कई क्रांति पहले की गई, उसका लाभ क्या हुआ? गंगा तो जैसी हैं वैसी हैं, लेकिन स्वप्न में मैं प्रायः एक महीने में एक दो बार गंगा तट पर सिद्ध संतों के साथ विचरण करता हुआ स्वयं को पाता हूँ, गंगा स्नान करता हुआ पाता हूँ। तो हो गया ना, हमको लाभ हुआ या नहीं? गंगा जी अविरल निर्मल बनी रहे इसके लिए बहुत प्रयास किया, हेलीकॉप्टर से भी यात्रा की, क्या क्या ये सब बताना ठीक नहीं है। गंगा जी जैसी हैं वैसी हैं, लेकिन हमारे ऊपर गंगा जी की कृपा ये है कि सिद्ध मनीषी जिनका नाम ही सुना है उनके साथ गंगा तट पर विचरण करता हुआ मैं स्वयं को पाता हूँ और गंगा जी में स्नान करता हुआ पाता हूँ। तो हमको लाभ हुआ या नहीं? इसलिए विश्व का कल्याण हो जब होगा होगा, लेकिन विश्व के कल्याण की भावना से भावित व्यक्ति जब विश्व कल्याण का उद्घोष करता है उसके कल्याण का मार्ग तो प्रशस्त होता ही है। यह अर्चा विग्रह त्रेता से प्रारंभ यह हुआ। तत्र्चायाम हरिम केचित संश्रद्धाय सपर्यया, तभी से केचित भी कहा कोई कोई श्रद्धावान गिने चुने व्यक्ति प्रतिमा में भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन आगे उपासता उपासतापि नार्थदा पुरुषाद्विषाम, ऐसा होने पर भी जो भगवान की पूजा तो करते हैं अर्चा विग्रह की और मनुष्य से अन्य प्राणियों से द्वेष करते हैं, उन्हें भगवान की प्रतिमा भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करने पर भी जो सिद्धि मिलनी चाहिए नहीं मिलती। सब घट मेरो साइयाँ सुनो सेज न कोय, बलिहारी व घट की जागट प्रगट होय, अर्चाया में भरे पूजा में श्रद्धे हते न तद भक्ते सुचान्य सुसभक्त प्राकृत स्मृता है। प्राकृत भक्त हैं, भागवत के अनुसार ही प्राकृत प्राइमरी कक्षा के भक्त हैं। कौन? अर्चा विग्रह तक ही जिनकी मान्यता है। अर्चाया में भरे पूजा में श्रद्धे हते न तद भक्ते सुचान्य सु, अन्य जो भगवत भक्त हैं उनके साथ व्यवहार जैसा होना चाहिए नहीं है, प्राइमरी प्राथमिक कक्षा के। ईश्वरे तद अधीने सुबादशे सुदुसतुचा प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करो स मध्यमा, मध्यम कोटि के भक्त कौन हैं? ईश्वर में प्रेम जिनके हृदय में है, भक्ति है, भगवत भक्तों के प्रति मैत्री का भाव है, और जो साधन में हमसे निम्न कोटि के हैं अर्थात भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, साधन का अभी उतना ज्ञान नहीं है, उन पर कृपा करके उनको बता दें, दुष्टों से भिड़ने की अपेक्षा उनकी उपेक्षा करें। एक तो भिंड जिला के ब्राह्मण देवता संत हो गए थे, नैमिषारण्य में रहते थे, उन्होंने हमसे कहा, आयु हमारी छोटी थी, आयु छोटी थी लेकिन 17 वर्ष की आयु में इधर आ गए थे। तो वहाँ के दाढ़ी नहीं, इतने दाढ़ी वाले महात्मा लोग भी जानते थे कि बाबा ये हमसे भी पहले का है, आयु में छोटे होने पर भी। तो उन्होंने कहा, भिंड अटेर के थे, देखो सबसे जूझना ठीक नहीं है। उदाहरण बहुत अच्छा दिया, 5-10 व्यक्ति गंगा स्नान के लिए या यमुना स्नान के लिए जा रहे, उस गली का कुत्ता भी उनके साथ जाता है, रास्ते में कुत्ता कुत्ता को पसंद नहीं करता ना,
जिस मोहल्ले से जाता उस कुत्ते, उस मोहल्ले के कुत्ते उस पर टूटना चाहते, बेचारा ऐसे कर लेते, और सबसे भिड़े तो काट ही जाए, खाक जाए, ऐसे कर लेता है। कुछ रक्षा करते हैं साथ वाले कि हमारे साथ कुत्ता जा रहा है, अब वो कल कुशल गंगा जी तक पहुँच जाता है। अगर रास्ते में जिस जिस मोहल्ले के कुत्ते उस पर दावा बोलना चाहे उनसे जूझे तो रास्ते में मर जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम बच्चे हो, मेरी बात ध्यान दो, सब जगह मोर्चा मत खोलना, क्या ऐसे 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 तब गंतव्य तक पहुँचोगे। हर जगह अगर जूझने लग गए तो जूझने में ही सारा समय व्यतीत हो जाएगा। इसीलिए कहा भगवान की प्रतिमा की तो पूजा करते हैं, लेकिन अन्यों के प्रति सम्मान का भाव नहीं होता है, द्वेष करते हैं, प्रतिमा की पूजा भी शीघ्र फलीभूत नहीं होती। प्रतिमा की पूजा व्यर्थ तो नहीं जाती है, कालांतर में या सुमति प्राप्त होती है। भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हो, ये प्राणी भी तो भगवान की प्रतिमा ही हैं, सर्व रूपों में प्रतिमा, सर्व रूपों में भगवान ही व्यक्त हैं। बहुत बढ़िया कहा निराला जी ने, लिखा है, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। प्रभो मैंने आपको ढूंढा कुंज में, वन में, कहीं मिलेंगे भगवान, आप भी हमको ढूंढने चले कि मेरा भक्त इसी दीन दुखी के दरवाजे पर उसका आंसू पोंछने में लगा होगा। या इसलिए सेवा का भाव कर हो तो भगवान की पूजा ही है, सेवा ही धर्म है या नहीं, लेकिन प्राणियों की यथा योग्य मर्यादा की सीमा में सेवा करेंगे तो भगवान की प्रतिमा की ही पूजा है ना, क्योंकि सर्व रूपों में भगवान ही अभिव्यक्त हैं। इसलिए बहुत बढ़िया उपनिषदों में लिखा गया, शास्त्रों में कहा गया, कोई लाठी टेपटा हुआ जा रहा है, क्या उस रूप में भी अपने इष्ट को पहचानते हो, मेरे इष्ट ही लाठी टेकते हुए इस वृद्ध रोगी के रूप में जा रहे हैं। ये भी एक विचित्र बात, मेरे इष्ट देव ही लाठी टेकते हुए इस वृद्ध के रूप में जा रहे हैं। अतः जहाँ तक बन सके भगवान सर्व रूपों में अभिव्यक्त हैं, इस भावना को व्यावहारिक धरातल पर भी स्थान दें, सेवा का प्रकल्प अवश्य होना चाहिए। आजकल हम कहते हैं कम से कम इतना तो हिंदू करें, हिंदुओं की स्थिति यह है, सिद्धांत तो बहुत ऊंचा है, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन सुखिना, लेकिन व्यवहार में हिंदू पेट और परिवार तक ही प्राय चिपके रहते हैं, पेट और परिवार तक चिपके रहने के कारण देश का विभाजन हुआ, कट गए, मर गए, मर गए, जो भगने में समर्थ हुए अधमरे हो गए, रिश्तेदार नातेदारों से च्युत हो गए, अलग हो गए, ये भी हमने संकेत किया। इसलिए फिर बहुत विचित्र बात है, फिर कश्मीर से भी भागे, अब कहाँ तक भागोगे, समुद्र में डूब के मरना ही पड़ेगा ना, अड़ना भी चाहिए या नहीं, सब जगह से भागते रहेंगे या नहीं, सब जगह अड़ते रहेंगे तो भी नहीं, सब जगह अड़ जाना वो भी ठीक नहीं, सब जगह से भागते जाना ये भी ठीक नहीं, उचित मोर्चे पर बहुत बढ़िया। एक नई मिसारे ने की घटना है, 100 एकड़ में एक संत महापुरुष का आश्रम था, रेलवे लाइन के उस पार भी एक आम का बाग, 25-30 आम के वृक्ष रहे होंगे, उसमें आम के फल आए, तो आश्रम के जो वानप्रस्थ लोग थे वो आम तोड़ लेते, चटनी बनाते, उस आश्रम के संत ने कहा, उस समय मेरा नाम ध्रुव चैतन्य था, ध्रुव जी भले ही आप मर जाओ कोई चिंता मत करना, ये सब जो आम तोड़ लेते हैं इनसे भिड़ जाना। मन में सोचा कि आम
भी आश्रम का हम तोड़ने वाले भी आश्रम के व्यक्ति हैं, मैं तो तोड़ता नहीं। अगर जीवन की बलि ही देनी है तो इस आम की रक्षा के लिए क्यों दूँ, राष्ट्र की रक्षा के लिए क्यों नहीं दूँ। मैंने उनकी बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी, वो लड़ा के हमको मरवाना चाहते थे। अगर आम की रक्षा के लिए हम भिर जाएं, आम खाने वाले बाहर के व्यक्ति तो नहीं थे, आश्रम के व्यक्ति थे, वो चटनी बना के खा जाते थे। तो आम की रक्षा के लिए अगर हम प्राणों की आहुति दे दें तो इससे अच्छा है ना कि राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दें, या आम की रक्षा के लिए कि राष्ट्र की आहुति दें। तो व्यक्ति त्याग भी, जीवन को न्योछा भी करना चाहे तो विचार करना चाहिए ना किस मोर्चे पर जीवन को दाव पे रख दें, या हर मोर्चे पे दाव पे ही रखेंगे, ये नहीं। उपासता उपासता पीन अर्थदा पुरुषा द्विषाम, जो अन्यों से द्वेष करते हैं लेकिन भगवान की प्रतिमा की उपासना करते हैं, उपासना व्यर्थ नहीं जाती, प्रतिमा की कृपा से सत्संग के प्रभाव से कालांतर में यह सुमति प्राप्त होती है कि भाई ये सब भी भगवान की प्रतिमा ही हैं, अर्थात भगवान ही इन रूपों में अभिव्यक्त हैं। या भगवान ही इन रूपों में अभिव्यक्त है, भले विराजे लंबक नाथ। एक व्यक्ति भगवान का दर्शन करना चाहता था, भगवान की उपासना करना चाहता था, भगवान प्रेतराज के रूप में प्रकट हो गए, इस रूप में भी मुझे पहचान सकता है या नहीं। उसने कहा महाराज प्रणाम, भले विराजे लंबक नाथ, मैं तो श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद छैल छविले नटनागर के रूप में आपको देखना चाहता था, आप इस प्रेत राज के रूप में आ गए। भगवान ने सोचा कि इसकी दृष्टि से मैं अपने को छिपा नहीं सकता, कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। भगवान का भक्त को, भक्त का भगवान को दर्शन हो, अदर्शन रहित दर्शन, इसकी क्या विधा है गीता में, अदर्शन रहित दर्शन, भक्त को भगवान का, भगवान को भक्त का दर्शन रहित दर्शन हो। या यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। एक दूसरे का, एक दूसरे को दर्शन रहित दर्शन होता है, भगवान एक क्षण के लिए भी उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होते। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, सर्वं च मयि पश्यति, और मुझने सबको देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि, उसकी दृष्टि से मैं ओझल नहीं होता और मेरी दृष्टि से वह ओझल नहीं होता। भगवान की दृष्टि से कोई ओझल नहीं होता, लेकिन ये यथा मम प्रपद्यन्ते ताम तथे भजाम्य हम। या भगवान की दृष्टि से हम ओझल ना हों, हमारी दृष्टि से भगवान ओझल ना हों, भगवान का मुझको, मेरा भगवान को अदर्शन रहे दर्शन प्राप्त हो। या इसलिए सिद्धि के दो भेद आजकल हम कहते हैं, स्वतः सिद्ध की सिद्धि और साध्य की सिद्धि। सिद्धि के दो भेद हैं, स्वतः सिद्ध की सिद्धि, स्वतः सिद्ध को साध्य बना लिया, स्वतः सिद्ध की सिद्धि और साध्य की सिद्धि, दोनों प्रकार की सिद्धि होनी चाहिए। गीता 18वां अध्याय, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। बहुत बढ़िया, निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में, अर्जुन मेरे द्वारा इस तथ्य को अच्छी प्रकार समझ लो, सिद्धि प्राप्त करके तुम स्वतः सिद्ध ब्रह्म जिस प्रकार हो जाओगे। ब्रह्म तो पहले से ही हो, अज्ञान और अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान का निवारण हो जाएगा। सबसे बढ़िया सिद्धि क्या है, स्वतः सिद्ध को सिद्ध कर लिया। क्या भूत को किसी ने सिद्ध किया, प्रेत को किसी ने सिद्ध किया, एक ने स्वतः सिद्ध परमात्मा को सिद्ध कर लिया, इससे बढ़िया क्या। मान लो मुझसे कोई पूछे भगवान को आपने सिद्ध किया है, तो हम क्या कहेंगे, उल्टे बोलेंगे, भगवान ने हमको सिद्ध कर रखा है। इसका अर्थ क्या हुआ,
जहाँ बैठाना चाहते वहाँ बैठ जाता हूँ, जहाँ उठाना चाहते उठ जाता हूँ। क्या छोड़ घर चल दिया, क्या छोड़ घर तो चल दिया। अब जहाँ ले जाएं, ये थोड़े कि पद से ही चिपके रहूँ, जहाँ ले जाएं तो क्या है, भगवान को मैं सिद्ध हूँ, इसका अर्थ क्या हुआ? जहाँ भगवान उठाना चाहें उठा दें, बैठाना चाहें बैठा दें। अब भगवान मुझे सिद्ध हों, अब भगवान को मैं सिद्ध हो जाऊँ, दोनों सिद्धि हुई या नहीं? सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म, ये भगवत सिद्धि, भगवान सिद्ध हो गए। सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समाज से नौनते निष्ठा ज्ञान से या परा। ऐसी सिद्धि में बोलता हूँ अर्जुन, जिससे तुम स्वतः सिद्ध ब्रह्म होकर ही शेष रहोगे, अर्थात अज्ञान और अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान का निवारण हो जाएगा। तो स्वतः सिद्ध की सिद्धि और साध्य की सिद्धि माने अंतःकरण की शुद्धि साध्य की सिद्धि है, या चित्त शुद्ध हो कर्मयोग के फल से, उपासना के प्रभाव से समाहित हो, शुद्ध और समाहित चित्त पर निर्मल और निश्चल चित्त पर भगवत तत्व का स्फुरण स्फुट रीति से होता है। तो भगवत तत्व के परिमार्गण अनुसंधान श्रवण मन निध्यासन की क्षमता प्राप्त होती है। वृंदावन में था, वेद विद्यालय में ऊपर के कक्ष में दीवार के बाद एक इतनी सी गली थी, फिर एक भवन था मातृमंडल, जिसमें उड़ियावादी के आश्रम में जो माताएं भजन करने के लिए रहती थी उनके लिए अलग सा विभाग था। छत पर टंकी में पानी भरा हुआ कुछ अंश खुला हुआ था, एक बंदरिया या एक बंदर आ गया, उसने यूँ झांका, क्या जल शुद्ध था, स्वच्छ था जल और स्थिर था, उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। उसने समझा कि प्रतिद्वंद्वी बंदर है, उसको फार खाने के लिए यूँ किया, जल चंचल हो गया, प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाए। उसने सोचा कि वो मेरे डर के मारे भग गया, फिर यूँ हो जाए थोड़ी देर में, फिर वो जल स्थिर हो जाए, फिर उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़े, फिर उस पर अब उसके जो बेटी पत्नी बेटे पोते सब गली में घूम रहे थे, उनको वाकई को खतरा हो गया मुखिया पर, वो सब आपस में इतना कोलाहल किए कि 15 मिनटों तक मनुष्यों का आना जाना बंद कर दिया। हम हंस रहे थे, बात तो ये है क्या अपने प्रतिबिंब में कोई प्रतिद्वंदी समझ लिया है ने उस बंदर ने। ऐसे ही भगवान के ये सब प्रतिबिंब हैं, आत्मा ही इन सब रूपों में अभिव्यक्त है, इसलिए सबके प्रति स्नेह यथा योग्य मर्यादा की सीमा में व्यवहार होना चाहिए, किसी से द्वेष न करें। नार्थदा पुरुषा द्विषाम, भगवान की प्रतिमा की तो पूजा करता है लेकिन दूसरों को गाली दे दिए बिना तिरस्कार किए बिना नहीं रहता, स्वभाव होता है। एक सुमिरन पूजन था कोई नैमिषारण्य में, वहाँ वहाँ घर छोड़ने वाले जो गृहस्थ होते थे उनको पूजन नाम के आगे पूजन लगा दिया जाता था। हम लोग आपस में मिलकर ही ब्राह्मण जितने थे युवक लोग संत भोजन बनाते थे। वो आता ब्राह्मण क्षति वैश्य कुल का नहीं था, प्रेम से भोजन लेते, वो चौका में घुसने का क्या क्या उपद्रव करता, झगड़ालू बहुत। तो साथ वालों से मैंने कहा वो चार रोटी मांगे तो आठ दे दो आज, आइए आइए सुमिरन पूजन जी आइए, फिर देखना कि लड़ने का अवसर नहीं देंगे, झगड़ने का ये करता क्या है, मुझे इससे शिक्षा लेनी है। यही हुआ, आइए आइए सुमिरन जी, उसने सोचा आज का दिन तो बहुत बढ़िया है, कितनी रोटी चाहिए, चार, आठ दे दी गई। अब मैंने सोचा कि ये क्रोध को कैसे रोकेगा, हम लोगों पर क्रोध करने का इसको अवसर नहीं मिला, हम छिप गए वृक्ष के ओट में। उसके बाद उसने भोजन नहीं किया,
अपने कमरे में भोजन रखा, एक कुल्हाड़ा लेकर जंगली बबूल जो होते हैं ना उनको चार बार माँ बहन की गाली दे के बार काटे, फिर चार बार माँ बहन की गाली दे के बार काटे। हमने कहा इतना क्रोधी क्रोध करने का उसको अवसर नहीं दिया तो मर ही जाएगा। अपने जीवन की रक्षा के लिए बबूल का मजबूत वृक्ष चार माँ बहन की गाली दे फिर एक बार काटे। हमने सोचा अरे राम, लड़ने झगड़ने का अवसर न मिले तो क्या है, बबूल के पेड़ को ही काट के फेंक दो। ऐसा ऐसा भी जीवन होता है, ऐसे व्यक्तियों से भी पाला पड़ता है। इसलिए नारसदा पुरुषत विषाम, भगवान की प्रतिमा की पूजा तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान की ये भी तो प्रतिमा है। भगवान की जो भी अभिव्यक्ति स्थावर जंगम प्राणी जितने हैं मर्यादा की सीमा में व्यवहार करें, लेकिन सबको भगवान की प्रतिमा अभिव्यक्ति समझकर यथा योग्य सबके साथ व्यवहार होना चाहिए। यह अभिप्राय पुरुषत विषाम बहुत अच्छा। उपमन्य को भगवती पार्वती ने कहा तुम मेरे पतिदेव शिव जी की आराधना करते हो, क्या तुम मेरे पति को पहचान लोगे? केवल त्रिशूलधारी भालचंद्र होकर ही वो दर्शन नहीं देते, छिपकली भी बन जाते हैं क्या? तुम जिस कमरे में रहते हो उसमें छिपकली के रूप में मेरे पति शिव होते हैं, क्या पहचान पाओगे? यही विचित्र बात है। क्या अर्थ हुआ? विविध रूपों में भगवान या सभी जगत में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सब भगवान की प्रतिमा हैं। प्रतिमा माने अभिव्यक्ति, अर्थात भगवान ही इन रूपों में अभिव्यक्त हैं। इसलिए सेवा का प्रकल्प भी होना चाहिए। तभी हमने कहा कि हिंदुओं में क्या है जी, पेट और परिवार तक सीमित रहते हैं। अब बाबा होने पे तो ईमानदार बाबा जल्दी डूबता है। क्यों डूबता है? जननी जनक बंध सुत धरा, वो देखो कर्नाटक वाले बड़े ध्यान से सुन रहे, जननी जनक बंध सुत धारा तन धन भवन सुधि परिवार दस है ना, सबकी ममता, तो नौ से ममता छोड़ दी ईमानदार बाबा। दसवां जो शरीर है, जननी जनक सबकी ममता छोड़ दिया, दसवां जो शरीर है ना उसी में सारी ममता आके चिपक जाती है। इसलिए बहुत खतरा बाबा होने पर भी, सबसे बड़ी खतरा ईमानदार बाबा भी डूब जाता है। क्यों? जननी जनक माता पिता सब को छोड़ दिया, अब शरीर में इतना चिपक जाता है। तो हम अच्छे तैराकी भी रहे हैं और कुश्ती लड़ने में भी आगे रहे हैं, लाठी चलाने में भी आगे रहे हैं, फुटबॉल में भी खेलने में आगे, कबड्डी में आगे, पढ़ने में भी आगे रहे हैं। तो जहाँ पर पशु इत्यादि जो होते हैं ना उस पार, गंगा के उस पार जाके मानव चढ़ते हैं चारे इत्यादि, जहाँ नदी के जल का फैलाव अधिक होता है वहाँ गहराई कम होती, और जहाँ फैलाव कम होता है गहराई अधिक होती है। इसी प्रकार से ये जो गृहस्थ होते हैं, पांच रोटी आवे तो देखेंगे बेटा तो भूखा नहीं है, बेटी तो भूखी नहीं है, सब पर ध्यान देंगे। अब बाबा होंगे तो कमरा बंद कर रसगुल्ला चट कर जाओ, तो नौ की ममता छोड़ दी, एक शरीर में जा कर के ही ममता समाविष्ट हो जाती है। तो बाबा होने पर भी जननी जनक नौ की ममता छूट गई, दसवां जो शरीर है इसी में जाके नौ की ममता समिट जाएगी। तो गृहस्थों की ममता फैली होती है, इसलिए गृहस्थों के यहाँ जीवत्व कम होता है। चार रोटी आएगी तो बेटे इत्यादि सब पर ध्यान रहेगा, कोई भूखे न रह जाए, बाद में मुँह में डालेगा, मिल जाए नहीं मिल जाए। लेकिन बाबा होने पर सबकी ममता, इसलिए भगवान ने कहा ऐसा न हो, मम पद मन ही बांधी बट डोरी। शरीर में भी कहीं आसक्ति की पराकाष्ठा हो गई, ममता की पराकाष्ठा, उसके चपेट में आकर ही डूब जाएंगे। इसलिए यहाँ का भगवान की उपासना तो करते हैं, प्रतिमा की पूजा, लेकिन अन्य प्राणियों के रूप में भी भगवान ही अभिव्यक्त हैं। ये सभी प्रतिमा भगवान की ही अभिव्यक्ति, भगवान की, किसी से द्वेष न करें।
तब प्रतिमा पूजा, प्रतिमा पूजा करते करते या भाव भी सत्संग के बल पर, पूजा भी कीजिए पर सत्संग का त्याग मत कीजिए। क्या जो सत्संग से ही उपराम हो जाते हैं, बड़ी बीमारी या निंदा में तात्पर्य नहीं है। कथावाचक किसी की कथा नहीं सुनते, कहीं ऐसा ना हो लोग मुझको श्रोता समझ लें। श्रोता भले ही श्रोताओं का उद्धार हो जाए, कथावाचक का उद्धार होना बड़ा कठिन। क्यों? हमको भी लोग श्रोता समझ लेंगे। एक वृंदावन के कोई संत श्रवण नक्षत्र समझ लो, तो मैं कहीं था उनके कहीं भागवत सप्ताह, कथा उनकी पूरी हो जाती उसके बाद लोगों ने उन्हीं के मंच पर हमारा प्रवचन रखा। अब वो संत सुनने नहीं आवे क्या, जबकि उसके गुरु के गुरु भी स्वामी अखंडानंद में भी हमारा प्रवचन बड़े भाव से सुनते थे। मैं उनके सामने तो बाल गोपाल ही था, सुनने ना आवे कि कहीं लोग ये ना समझें कि कथावाचक भी किसी के श्रोता होते। श्रोताओं का उद्धार भले ही हो जाए, कथावाचक का उद्धार होना बड़ा कठिन है। मैं कथावाचक होकर किसकी कथा सुनूं, बड़ी विकट बात। कथावाचक कदाचित श्रोता भी होते हैं तो अपने प्रवचन में चमकाने के लिए कोई हंसी आदि की बात हुई या नहीं। एक जगह कासगंज में, सच्ची घटना है, शंकराचार्य पद पर मैं प्रतिष्ठित नहीं था तब की बात है, एक व्यक्ति ने, एक बार दिल्ली में भी 30 घंटे 30 दिनों में मेरा प्रवचन सुना, एक मेरठ में और कासगंज। उसने कहा मेरे 30 घंटे बर्बाद कर दिया आपने। हमने कहा मैंने क्या किया, तुम आके अपने आप श्रोता बने, मैंने क्या बर्बाद किया। 30 घंटे आपका प्रवचन सुना 30 दिनों में, एक बार हंसने का अवसर नहीं मिला, एक बार रोने का अवसर मिला नहीं मिला। कथा है या सर दर्द है, ब्रेन हेमरेज ठीक है ना आलोचना पाठक जी। 30 दिनों तक एक एक घंटा रोज आपका प्रवचन सुना, न एक बार हंसने का अवसर मिला, न एक बार रोने का मिला। हमने कहा गीता के 18 अध्याय का प्रवचन गीता के ढंग से करें, कितने बार हंसने का अवसर मिलेगा, कितने बार रोने का अवसर मिलेगा भाई। वो भी है चुटकुला इत्यादि कथा श्री सागर, लेकिन जब दर्शन का विज्ञान का निरूपण होगा तब हंसाने रुलाने तक ही। तो उसने बहुत बढ़िया समीक्षा की, कथा है या कथा के नाम पर व्यथा है। 30 दिनों तक आपका प्रवचन सुना, एक बार भी हंसने का रोने का अवसर नहीं मिला, या कोई कथा है या तो व्यथा है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, सब रूपों में भगवान को ही देखें। यह प्रतिमा पूजा की सार्थकता है, निरर्थक नहीं। जो प्राकृत भक्त हैं भगवान की प्रतिमा की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान ही इन सब रूपों में अभिव्यक्त हैं ऐसा समझकर व्यवहार नहीं करते। उत्तम भक्त वही होते हैं, सर्व रूपों में भगवान ही अभिव्यक्त हैं। मोहन बस गए मेरे मन में, जित देखत त्योत वही देखत घर बाहर आंगन में। इस प्रकार से भगवत दर्शन। नारायण श्री राम जय जय राम।